है गाइस, विप्रो कंपनी जो है उनके जो सहायक टॉप कॉर्नर के सीईओ के रूप में नामांकित किया गया है। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं क्या है। साथ हैंसन ने माइक मैनी की जगह ली है। इन्होंने इस साल मार्च में कंपनी छोड़ी थी। बेंगलोर स्थित अपने माता पिता की एक्सचेंज फाइनेंसिंग फाइनिंग के अनुसार वह मार्केट प्लेस और व्यवसाय को बढ़ाने में 25 साल का नेतृत्व लाते हैं और बिक्री विवरण में उत्पाद और संचालन में इनका अनुभव टॉप कोडर के विकास के अलग अलग चरण के लिए महत्वपूर्ण होगा। बेंगलोर विप्रो के डाग हैन को टॉप कॉर्नर के लिए मुख्य कार्यकाल अधिकारी डेवलपर डिजाइनर और डेटा विज्ञान के लिए एक भीड़ भाड़ वाला तकनीकी समाधान मंच है। हैंसन ने माइक मेरकी की जगह ली है। इन्होंने इस साल मार्च में अपनी कंपनी छोड़ दी थी। बेंगलोर स्थित माता पिता, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बताते हैं कि जो व्यक्तित्व गति का समाधान और समाधान के प्रदान करती है, यही सब चीज़ें के बारे में बताया गया है। और टॉप कॉर्नर में शामिल होने वाले हैरन हेल्थ ने हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर फार्मा 6 डिग्री हेल्थ के लिए मुख्य परिचालक अधिकारी के रूप में कार्य किया। उन्होंने बिजनेस आउटपेक्ट में इंजेशन सेल्स और गो टू मार्केट रणनीति का नेतृत्व किया है। तो ये इनके अंदर खासियत है, वो इन्होंने बताई है कि क्या ये कर सकते हैं। और विप्रो में 2016 में यूएफ अधीन क्लाउड कंसल्टेंसी फॉर्म एसपीडीओ को $500 मिलियन से अधिग्रहण किया था। इसी सौदे के हिस्से के रूप में अपनी कंपनी सहायता अपने टॉप कोडर का अधिग्रहण किया है। तो ये है कुछ कंपनी। तो कंपनी तो कोई वो नहीं है, ये नए सीईओ हैं कंपनी के। और सबसे अच्छी बात है, कंपनी आज जो है काफ़ी अच्छी सर्किट पे क्लोज दिया है। 2.5% के आसपास क्लोजिंग इन्होंने दिया है आज की डेट में। और जो विप्रो हैं उनके जो आज का मेरे पास जो पोर्टफोलियो है, मैं उसमें थोड़ा कुछ दिखाता हूँ आपको कि है डब्लू, ये आ गया विप्रो। आज इसमें 18.90 रुपये का पॉजिटिव फाइन दिखाया है। ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव। 122 रुपये का लॉस होने के बावजूद भी मैं मार्केट में खड़ा हूँ, पाँव जमे हुए हैं। 12.5% का लॉस हो रहा है, अप्रोस्टी 13% पकड़ लीजिए लमसम। तो मार्केट इसमें इतना वोलेटाइल है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर हमको पेशेंस बना के रखना ही चाहिए, हर हाल में रखना चाहिए। क्योंकि मार्केट एक तो वर्ल्ड वॉर से चल रहा है, दूसरा जो फिड का काम है, फिड बैंक जो है अमेरिका का, उसके कारण जो महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा है, मार्केट का मूड और माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। 1 से 2 दिन में आप देख लीजिएगा, यहाँ 15,350 है तो 15,555 या 15,600 के आसपास लेवल बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा, कल या तो परसों, ये तो डन है, और दिखेगा इसी वीक में। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।